कुछ नए सवाल हैं? देखिए, इस तरह की शाम में आपको खुशी ही चाहिए होती है और खुशी ही मिलती है आपको. इट्स अ अवार्ड फंक्शन एंड इट इज़ अ यूनिक अवार्ड फंक्शन बिकॉज इट सपोर्ट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ बजटेड सिनेमा. सो आई हैव बीन हियर लास्ट टाइम ऑल्सो एंड आई एम हियर दिस टाइम एंड आई एम होपिंग टू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड सी द वर्क ऑफ अदर पीपल. थैंक यू. मैं मेरा भी रिकॉर्डिंग रखूं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं सेल्फी लेने का. एक तो मैं सेल्फी में इतना बकवास लगता हूँ, वैसे भी नॉन सेल्फी में भी सही नहीं आता हूँ लेकिन सेल्फी में और बुरा आता हूँ. मुझे सेल्फी का कोई शौक नहीं, लेकिन क्या है, सेल्फी का ज़माना है, लेते जाओ स्माइल. ये फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर है वहाँ, मुझे देखने तो दो ना भाई, मुझे कैसे मालूम अच्छी आई जब तक देखूंगा नहीं. अच्छी आई मुझे क्या मालूम. ये जो फोटोग्राफर है आपका, वो फोटो लेते वक्त इतना स्माइल करता है, कैमरा के नीचे इसके दांत दिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा. वो स्माइल करेगा तो मैं स्माइल करूंगा ना. गुड बॉय. तेरा नाम क्या है बेटा? श्रेयस. पूरा नाम बोल. कट करे. देखिए, गए साल मुझे इनवाइट किया गया था, राजीव मसंद ने कहा कि ये हमारा मकसद है इस रील अवार्ड का, और वो मकसद ये था कि बहुत सारे ऐसे फिल्में आती हैं जाती हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनती है लेकिन कमर्शियली इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, या बनाते वक्त मतलब थोड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या जो भी, उसे इंडी फिल्म्स कहते हैं, और वो इंडी फिल्म का चैम्पियन कोई नहीं था. तो ये अवार्ड्स फंक्शन को इंस्टीट्यूट किया गया, मैं था लास्ट ईयर, आई थिंक मैंने पहला अवार्ड मैंने दिया, इस साल में भी अवार्ड देने आ रहा हूँ. और मुझे लगता है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छा हो गया. आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी. हाँ बोलिए ना. मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे आप बताएंगे तब पता चलेगा. मुझे सचमुच, मुझे दस साल से पूछ रहे लोग मुन्ना भाई का क्या स्टेटस है, 10 साल से मेरे पास जवाब नहीं, तो ये साल जब पता चलेगा आपको बता दें, अभी तक कुछ न्यूज नहीं. आई थिंक एक एक्टर के लिए एक अवार्ड क्या मायने रखता है, आई थिंक एक्टर को पता होता है कि उसने काम कैसे किया. फैमिली फ्रेंड्स और जो भी उनके चाहने वाले सच सच बताते हैं कि देखो इसमें आपने अच्छा काम किया. कभी कभी अवार्ड मिलता है, कभी कभी अवार्ड नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है अपने कम्युनिटी से तो एस्पेशली फॉर एक्टर्स जो बहुत तकलीफ़ें से तकलीफ़ उठाकर जो पिक्चर जब बनाते तो एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है. और वो इंकरेजमेंट है ना, एक ओनली वन अवार्ड डजंट डू इट बट इट गोज़ अ लॉन्ग वे. आई थिंक
एक्टर को अच्छा लगता है लेकिन उसकी फैमिली को और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी कभी मुझे भी जब अवार्ड मिलते थे तो तब मेरी माँ सबसे ज़्यादा खुश होती थी। आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मी दैट। I am at an awards function. I'll call you after the awards function, okay? I'm with press. We are talking about the same thing we were talking about last time, right? Yeah, okay, sir. Okay, I'm in the front. Left and right? Hi, sir. Hello, hi. Anna. Hi, Anna. How are you doing? Very good, nice sir. To meet you. I'm a huge fan of yours. Okay? अभी उस तरफ कैमरा घुमा, मेरा हो गया। संजय के बाजू में देखो। चालू हो गया, राइट लेना पड़ा, चालू आएगा, मुक्का मारेगा तुझे। अरे सारे मेरे लड़के बैठे हैं। क्या ग्रीन मेविन, ग्रीन ब्यूटी, ये क्या होता भाई? हरियाली टिक्का, हरा भरा कबाब, उसको भूख लग रही है। हाँ, इसीलिए उसे हरे भरे कबाब में तो कूदा है वो, है ना? करेक्ट है ना? बस यही करना था अरुण। खाना अच्छा होना चाहिए, है ना? उम्मीद तो वही है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं कुछ नहीं यार, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बहुत अच्छी नॉमिनेशंस हैं, एक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे वो लोग हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, उनका काम मुझे बहुत पसंद है और मैं देखना चाहूँगी कौन जीतता है और जो हारेगा वो मेरे साथ बार पे एक ड्रिंक। नहीं यार, आज अवार्ड नहीं मिला, नॉमिनेट ही नहीं हुए, ढंग का काम नहीं किया शायद लास्ट ईयर। आई हैव नो आइडिया, अंदर जाके ऐसे बम फूटेगा। ओ क्यों, हरियाली टिक्का मिला तो खुश नहीं होंगी? नहीं, मैं अभी पंजाब से वापस आई हूँ ना, तो खाना बहुत अच्छा था वहाँ पर, मैंने एक महीने जो दबा के खाना खाया है। हाँ, ये भूखा आदमी है। देख लिया तुमने? मैंने नहीं देखा, मुझे देखना है। तो मैं शिमला में शूटिंग कर रही थी, बायोकॉम का एक नया शो है, उसकी शूट चल रही थी और शिमला में -3 degrees था और बॉम्बे में 33 degrees है, तो इतनी बर्फ़ भरी जगह से आकर मैं बॉम्बे की गर्मी में, तो उसका शूट चल रहा था, बहुत अच्छा शो है, शो का नाम है मर्जी और काम चल रहा है उस पर। रोमांटिक वोमेंटिक नहीं करती हूँ, सब मतलब मुद्दे वाले काम करती हूँ, मुद्दे भरा शो है, मुद्दे का शो है, अच्छा शो है, तुमको पता चल जाएगा। मैं अभी बोलूँगी तो बायोकॉम वाले आएंगे मेरे पीछे। मैं तो बस अवार्ड देने आई हूँ, तो ये उम्मीद रखती हूँ कि जो सही कैंडिडेट हो उसको अवार्ड मिले। मैं एक्चुअली अपनी फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर एंड राइटर बना रही हूँ अभी, रोम रोम में, जिसमें नवाज़ है, नवाजुद्दीन है लीड रोल में और इटालियन एक्ट्रेस है वैलेंटिना कोटी। तो हमने रोम में शूट किया इस फिल्म को
और अभी मैं एडिट कर रही हूँ, म्यूज़िक पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है उसको, तो जल्दी हम लोग वो फिल्म रिलीज़ करेंगे। हाँ, ये किस तरीके की फिल्म है ये तो फिल्म देखने पे आपको पता चलेगा जब ट्रेलर रिलीज़ होगी। अभी मैं उसके बारे में कहानी या जॉनर के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ इतना ही कि फिल्म का नाम रोम रोम में है और हमने रोम में शूट किया इस फिल्म को और काफ़ी सारी इटालियन कास्ट है। ये आप फिल्म देखिए फिर आप बताएं। इटालियन कास्ट है, नवाज़ है, मैं भी हूँ उस फिल्म में, ईशा तलवार है, सो काफ़ी ऑनसॉम्बल कास्ट है। थैंक यू। खाली पूरा भीड़। हेलो, आज अवार्ड्स में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? विनर्स विनर्स एंड लूजर्स। नहीं, लूजर्स कुछ नहीं होते। अवार्ड इज सेलिब्रेशन ऑफ ऑल ग्रेट फिल्म्स बीइंग सेलिब्रेटेड, बीइंग अप्रिशिएटेड, ऑल द इनक्रेडिबल टैलेंट दैट हैव मेड फिल्म इन द लास्ट ईयर कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट व्हाट दे हैव डन, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग, एंड आई लाइक दैट दिस इज celebrating the more so-called substance cinema, which I feel is the real cinema. So yeah, मैं nominated नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सबके लिए ताली बजाना है जी। हाँ, how much I believe in it, मतलब बेस्ट एक्टर मल्टीप्लेक्स, बेस्ट एक्टर सिंगल स्क्रीन, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे कैटेगरीज होने के लिए, बट आई थिंक बेस्ट एक्टर, क्योंकि बहुत सारे परफॉर्मेंसेज आ रहे हैं एक साल में और ये थोड़ा सा डेटेड हो गया है कि पहले पैरेलल फिल्म्स और कमर्शियल फिल्म्स में एक पहले दरार थी, एक डिस्टेंस थी, अभी वो नहीं रही है, तो आई थिंक दे कैन ड्रॉप दैट कैटेगरी। Left, left, left. Hey, man. Huh? Hey, man. Come on, man. Solo, bichcha. Man,
गुड इवनिंग. इट्स यू नो दे सेलिब्रेट फिल्म्स अंडर 25 क्रोर्स. सो मेनी फिल्म्स दैट ऑफन गेट लॉस्ट इन द बिगर अवार्ड फंक्शन. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई हैव गॉट इनवाइटेड फ्रॉम मिस्टर राजीव मसंद व्हिच इज ग्रेट. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके. अ लॉट ऑफ वर्क वेंट इनटू द शो एंड इनटू जस्ट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. सो फाइनली व्हेन इट कम्स आउट एंड इट डज वेल आई फील वेरी मोटिवेटेड. आई एम लाइक कुछ तो अच्छा कर रही हूँ लाइफ में. थैंक यू. आई एम वेयरिंग इंडियन वेयर फ्रॉम इकाया बनारसी. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट ब्रांड एंड माय मदर्स इयररिंग्स which she doesn't know about. Season 2, I hope it happens. So it's in our contracts that there are two seasons. So I haven't heard. I'm as excited as anybody else is. I think they're still ideating at the script level. Response is bahut acha hai. Social media has been bombarded with, you know, to my personal account, but मुझे ये बात बहुत अच्छे से याद है कि as energizing as it is, I also know it's very fickle. So I'm just motivated. I just hope this branches into good work opportunities for me, ताकि मैं और कर सकूँ अच्छा. Thank you. This way. Beautiful stuff is gonna get rewarded for whatever they have, you know, presented. And yes, that will be really commendable. Nothing expected, nothing from me. We were having fun. Oh, they are such wonderful children, actually. Yes, they are children to me. And they are awesome. They have so much of energy and looking forward to do so much stuff. And it's fun. Arey Vijay, kya baat hai? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? स्टार कौन बोल रहा है? मैं बहुत बढ़िया किसी एक्टर वर्ल्ड में अगर कोई है. हाँ मैं हूँ. 300-500 हाँ मैं 2 महीना किया मैंने. हाँ अच्छा तूने अपनी तरफ से थोड़ा उधर से भी था इधर से भी था. ओके 8 महीना साथ में काम. हाँ लंबा लंबा बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है. हाँ अरे वाह मज़ा आया. चलो बाबा हम इनके सवालों का जवाब बोल भाई. हाँ मैं करता हूँ प्रवचन दे के निकल लूँगा जल्दी करो. नया हैंडसम नहीं लग रहा है हमेशा लगते थे मुझे तो हमेशा से लगते थे. आप पत्नी से पूछोगे इनको तो हमेशा से लगूंगा मैं तो पत्नी है हमारी. नहीं नहीं रहता कभी भी नहीं रहता था. मुझे अगर मेरे प्रोड्यूसर देंगे तो पैसा किसको ख़राब लगता है. पैसा और प्यार जितना भी मिले ना कम लगता है. तो यस किसके लिए वो तो चैनल अनाउंस करेगा ना मुझे क्या मालूम. मैं तो अभिनेता हूँ वो तो आप
नेटफ्लिक्स अमेजोन को पूछो। ठीक है थैंक यू भाई मेरे जाने दो भूख लगी। क्या हाल चाल है जनाब आपके? क्या बात है। सॉरी व्हाट दैट एक्सपेक्टेशंस यार। अवार्ड सीजन इज ऑन एंड टचवुड यू नो आई बीन नॉमिनेटेड इन मोस्ट ऑफ द अवार्ड फंक्शन अवार्ड शोज फॉर थ्री एंड टचवुड आई हैव हैड अ गुड ईयर एंड एंड भैया हैज हैड अ फैंटास्टिक ईयर। सो आई वाज जस्ट टेलिंग देम द सेम कि हाँ दोनों की कहीं ना कहीं नॉमिनेशन होती हैं और अगर दोनों की है तो एक आधा अवार्ड भी घर आ जाता है तो दोनों हैप्पी हो जाते हैं। नहीं 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 रेस कभी नहीं है यार। आई थिंक एज चाणक्य सेज दैट यू नो कंपैरिजन और कंपटीशन कैन ओनली ओनली बी अमंग्स इक्वल्स एंड आई हैव टू बी इक्वल टू हिम फर्स्ट टू बी इन द रेस एंड आई थिंक वी बोथ हैव बीन इन अ वेरी डिफरेंट स्पेस इन लाइफ टचवुड हेंस देयर आर नो कंपैरिजंस। मेरे आउटफिट के बारे में मेरी जान सो दिस अ जर्मन डिज़ाइनर जिसकी मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। पीछे से फ्रिल्स नज़र नहीं आ रही हैं उसके बिकॉज आई एम वेयरिंग अ जैकेट। सो दिस अ ब्रांड कॉल्ड साइमन कार्टर। उसने मुझे ब्रांड टी शर्ट भेजी है जैकेट भेजी एंड आई एम वेरी हैप्पी ये पहन के। ये जो मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं ये कहीं ना कहीं से शहद ले आएंगी। सॉरी भैया को यार स्क्रिप्ट दिखाता हूँ कपड़े नहीं दिखाता। हाँ ठीक है लव यू पाजी। यहाँ पे आना काफ़ी है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिवलेज ऑनेस्टली टू बी इन द रूम फुल ऑफ दीज अमेजिंग ब्यूटिफुल टैलेंटेड पीपल। बहुत ही अच्छा आई थिंक इनिशिएटिव है ये अवार्ड्स यू नो अवार्डिंग फिल्म दैट आर मेड अंडर अ सर्टन बजट। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि कभी कभी फिल्म नीच फिल्म होती है यू नो वी काइंड ऑफ कंटेन द बजट फॉर अ रीज़न क्योंकि हमें लगता है या यू नो द टाइटर यू मेक इट द मोर पॉसिबिलिटी फॉर इट टू डू वेल। But all these films you see like Razi, Stree, Badhai Ho, smaller budgets but also films that have gotten so much love commercially. So actually, you know, the truth is that a commercial film truly is just a story. Commercial film story hoti hai. Aur phir uske baad aage jo hota hai, hota hai. Arre, but abhi to shuru hui hai. Maine pehle bhi kaha, it's just begun. There's lots more to do, but yeah, it's any definitely started on a very, very positive note.
आप बुला सकते हो, मैं तो नहीं बुलाऊंगी खुद को। हाँ तो क्या बोलूँ मैं, झुमके के बारे में बहुत सुंदर है मेरे ख्याल से। मैं आज सब्यासाची पहन रही हूँ, उन्होंने पूरा लुक मुझे डिज़ाइन करके भेजा है। और हाँ मुझे अभी मज़ा आ रहा है, अभी साड़ी वाड़ी पहन रही हूँ, 26 ईयर्स की हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, फर्स्ट क्लास गेटी में। हाँ वो बहुत ज़बरदस्त था ना, मुझे वही करना है एक्चुअली लाइफ में। I mean there's the whole film where we're performing, so you will get to see that, hopefully that should be but I think as I said it's as he said the people's dusra song launch hua hai, bahut sare gaane aane wale, the title track is going to be out soon, jo actually mere khayal se bahut hi zabardast track hai, it's one of my favorite songs in the album. To ha main actually kalan ke baare mein bahut baatein kar sakti hu, I think I'll always be try to be responsible as a citizen of India, whether I'm a big star or not. That to goes without saying, na, everybody should be a responsible citizen. Why just me? Dan, thank you. Dan, come. So, main kaam, ha, aap kaam. Arey. Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.